नमस्कार और आज हम बात करेंगे ऑयल प्राइसेस के बारे में। तेजी से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के दाम, लगातार रोजाना इनमें बढ़ोतरी हो रही है। हम और आपको इससे काफी तकलीफ हो रही है और हम जानते हैं कि इससे आपके घरेलू बजट पर भी असर पड़ रहा है। लेकिन अब जो है 9वें दिन ये सारी हदें पार कर गई है। अब असर होने लगा है लोगों के लाइवलीहुड्स पर, यानी उनकी आमदनी पर, जो वो कमाते हैं उस पर, क्योंकि और पेट्रोल और डीजल के दाम अब इस कदर बढ़ गए हैं कि कई लोग, जैसे मछुआरे हुए, जैसे किसान हुए, जैसे ट्रक ड्राइवर्स है, कई लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अब बस, अब और बढ़ोतरी हम झेल नहीं पाएंगे। इससे आगे अगर तेल की कीमतें बढ़ती है, डीजल महंगा होता है, तो हमें धंधा बंद करना होगा। देखिए एक छोटा सा रिपोर्ट, बात करेंगे इसी मुद्दे पर, चर्चा करेंगे और इस मुद्दे पर आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम अब सीधे लोगों की रोजी रोटी पर असर कर रहा है। रामेश्वरम के मछुआरे तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से अपना व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा किए हैं। डीजल की 76 रूपए இதனால வந்து மீனவர்கள் ரொம்ப பாதிக்கப்படுறான். இன்னைக்கு போட்டு அனுப்புறது சராசரி ஒரு 20,000 ரூபாய் செலவாகுது சின்ன படகுகளுக்கு. கடலுக்கு போயிட்டு வந்தா 10,000 ரூபாய்க்கு ஓடுறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. पूरे देश में तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। लोगों की जेबें खाली होती जा रही हैं। आम लोगों ने कुछ इस तरह बयां किया अपना दर्द। फ्यूल के ऊपर तो महंगा बहुत ज्यादा हो गया है। पहले जहाँ जितने पैसे में पहले काम होता था, उससे डबल पैसे लगने लगे हैं। सीधी सी बात ये है। आप चाहते हैं सरकार कुछ करे इस बारे में? हम तो कहेंगे कि रेट कम होने चाहिएंगे। जब से मोदी जी की सरकार आई है, देश के 125 करोड़ लोग खून के आंसू रो रहे हैं। ये पेट्रोल तो एक एग्जाम्पल है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें लोगों को राहत दी जा रही है? लॉलीपॉप की बातें करना और प्रैक्टिकली कुछ करना बहुत ही डिफरेंट। कोयम्बटूर में भी तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर कुछ लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। देश भर में लगातार तेल की बढ़ती कीमतों ने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। हमसे बातचीत में इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने कुछ ऐसा कहा। We are seeing record prices in terms of petrol, particularly here in Mumbai. It's touched 86 now. As an economist yourself, how do you look at it? Well, petrol prices should not be more than 40 rupees per liter. Everything else is exploitation. आखिर कब तक यूं ही तेल की कीमतों में उछाल होता रहेगा और आम लोगों की दिक्कतें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, मिरर नाउ। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे चेतना सालुंके, जो कि प्रियदर्शनी वुमेन्स पावर, एक वो टैक्सी ड्राइवर है, प्रियदर्शनी टैक्सी चलाती है। अजय बंसल जुड़ रहे, ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, और वैभव अग्रवाल भी जुड़ रहे, जो कि बीजेपी के लीडर है। लेकिन सबसे पहले जो है, मैं बात करना चाहूँगी अजय बंसल से। अजय बंसल, लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। अभी हम और आप सबको ही जानते हैं कि दामों में उतार चढ़ाव होना लाजमी है, क्योंकि मार्केट लिंक्ड हो गया है। लेकिन जिस तरह बढ़ोतरी हो रही है पेट्रोल डीलरशिप्स पे, जो पेट्रोल पंप्स है, वहाँ पर आपको क्या असर दिख रहा है? क्या लोग अब कम फ्यूल लेने लगे हैं? जितनी फ्रीक्वेंसी से वो लोग पेट्रोल या डीजल भरने आ रहे थे, क्या उसमें किसी तरह की कमी आई है? देखिए, पेट्रोल और डीजल जो है वो एक ज़रूरत की वस्तु है। वो हर लिहाज से एक आम आदमी को चाहिए अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करने के लिए या धंधा करने के लिए। हाँ, हम जो डीलर लोग हैं वो सबसे पहले उसकी जो गुस्सा है या उसकी जो परेशानी है उसको हम लोग झेलते हैं। जब वो ये देखता है कि जो 500 रुपये 1000 रुपये में मेरी गाड़ी की जो टैंक है वो इस लेवल पर सुई उसकी पेट्रोल की आ जाती थी और जो नहीं आती है, तो हमारे स्टाफ के साथ वो बहुत ही एक गुस्से का इजहार करता है। और उसको कहीं पर जैसे कि अब डेली प्राइस बढ़ रहे हैं, और अगर जो कोई एक आदमी एक हफ़्ते पहले एक पंप पर आता है और एक हफ़्ते बाद आता है, तो उस दौरान अगर जो उसको 4-5 रुपये की वृद्धि हो गई,
और उसके हिसाब से वो पेट्रोल जो 500 रुपए का जिस लेवल पे आना चाहिए तो वो नहीं आ रहा है प्राइस के कारण, तो वो एक गुस्से का इजहार करता है जिसको कि हमें सहना पड़ता है। और नो डाउट अब दाम बढ़ रहे हैं, सबकी नज़र में है, डेली ये सरकार बताती है, हम लोग भी सब जगह पर डिस्प्ले करते हैं, उसका असर दिखने को मिलता है कि वो आदमी किफ़ायत भी बढ़ता है और मजबूरी के कारण जब लेता है तो वो एक गुस्सा भी जाहिर करता है कि दाम बिल्कुल आकाश पे जा रहे हैं, तो इसकी नाराज़गी तो ज़रूर झेलनी पड़ती है हमें। जी नाराज़गी झेलनी पड़ रही है। चलते हैं सीधे ऋचा के पास जो मुंबई के दादर इलाके में है और ऋचा के साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं। ऋचा, आपके साथ कौन है और पेट्रोल डीजल की दाम जो लगातार बढ़ती जा रही है उससे उनके निजी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? इलाके में यहाँ से सैकड़ों की संख्या में रोजाना बसेस, वॉल्वो और कई सारी प्राइवेट जो कारें हैं वो यहाँ से जाती हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कई सारी ट्रैवल एजेंट जो ये कार और बसेस के माध्यम से चलाते भी हैं। सर, आपसे हम शुरुआत करते हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम दिन से दिन बढ़ते जा रहे हैं, इस पर आप लोगों पर इसका क्या असर हुआ है? असर बोले तो अभी धंधा करना मुश्किल हो गया। पैसेंजर अभी जो सीट अभी इधर से 400-500 रुपए की थी, अभी पैसेंजर अभी 200-250 रुपए में जा रहे हैं और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो डीजल का दाम था वो उसके अंदर हम लोग तो परवड़ता था, तो अभी आज हो गया है कि डायरेक्ट आसमान से छू गया है, तो कैसे धंधा करे आदमी, कैसे धंधा करे ये बताइए। आप अपना कॉस्ट रिकवर कर पाएंगे फ्यूल के पीछे जो आप रोजाना कॉस्ट लगाते हैं? मैडम क्या है कि फ्यूल के पीछे ऐसा देखने जाए ना, फ्यूल इतना बढ़ता जा रहा है कि आप लोग हमारा धंधा भी निकाल नहीं सकते, एक टाइम का रोजी रोटी का भी मानता हूँ। जी ऋचा, आपके पास लौट कर आएंगे, शायद तकनीकी डिफिकल्टीज है, इस वक्त हम आपको देख नहीं पा रहे सिर्फ सुन पा रहे, लौट कर आएंगे आपके पास। लेकिन चेतना सालुंके से बात करना चाहूंगी। चेतना जी, लगातार जो डीजल की दाम बढ़ रही है इससे आपके रोजी रोटी पर क्या असर हुआ है? आप टैक्सी चलाती है, हमें बताइए कि कितना मुश्किल अब यह हो गया है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमारे लिए, क्योंकि हमारा तो पूरा परिवार, मतलब मेरी लड़की है, मेरा परिवार है, उस पर ही चलता है। और पेट्रोल और डीजल का भाव इतना बढ़ गया है कि हम लोग घर पे जो पहले लेके जाते थे उससे आधा लेके जा रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि जो मेरी लड़की पढ़ रही उसके लिए कम पड़ रहा है पैसा, फीस के लिए कम पड़ रहा है पैसा देने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग इतना ट्रैफिक बढ़ गया है कि उसमें पूरा पेट्रोल डीजल मतलब ट्रैफिक ही खा रहा है। उसके लिए कुछ सरकार करेगी कि कम भाव करेंगे पेट्रोल का, तो कम से कम उसका पैसा हम लोग घर पे जा ले जा सकते हैं अपने परिवार के लिए। वही मैं सरकार से इच्छा कर रही हूँ कि पेट्रोल और डीजल का दाम बहुत ही बढ़ गया है, मतलब 87 पेट्रोल हो गए। पहले हम लोग जब मैं ज्वाइंट हुई थी तब पेट्रोल और डीजल का बहुत बहुत कम था, तो हम लोगों को मतलब ये हो रहा था कि पैसा हम लोग कम से कम घर पे लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी परेशानी होती है कि गाड़ी बाहर निकाले कि नहीं निकाले, ये ट्रैफिक की वजह से हम लोग ना ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे। ऐसा सोचते हैं कि डीजल ज़्यादा जाएगा, टाइम ज़्यादा जाएगा, उससे अच्छा कि घर पे जाए, ये सोच के हम लोग घर पे ही आ जाते हैं। जी चेतना जी, मुझे ये बताइए कि पहले आप कितना कमा पा रही थी और अब हाथ में आपके कितने पैसे आते हैं? पहले हम लोग घर पे कम से कम 800 के करीब लेके जाते थे पहले। जी मतलब समझिए 8 घंटा ड्यूटी करेंगे ना, फिर भी हम लोग 800 तक घर पे लेके जाते। अभी 12 घंटा करके भी हम लोग नहीं लेके जा रहे, क्योंकि पेट्रोल का भाव इतना बढ़ गया है कि पेट्रोल डालेंगे 500 का डालेंगे तो आधा दिन में ही खत्म हो जाता है। जी तो 12 घंटा ड्यूटी करके आपके हाथ में कितने पैसे आ रहे हैं? नहीं आ रहे, क्योंकि मैम क्या है ना कि अपना ये अभी वेस्टर्न पे आप देखेंगे ना, वही मेट्रो का काम जो चल रहा है, वहाँ पे आप
ट्रैफिक इतना है ना कि गाड़ी सेकंड गियर में आती ही नहीं है, थर्ड गियर में तो छोड़ दो, सेकंड गियर में आती है, फर्स्ट गियर पे ही गाड़ी चलती, उसमें क्या चलती रहती, तो पेट्रोल खर्चा होता है, डीजल खर्चा होता है, सीएनजी तो बचता ही नहीं है गाड़ी में, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? इसके लिए सीएनजी जल्दी ख़त्म होता है, इसके लिए पेट्रोल डालना पड़ता है, पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल पे कितना खींचेंगे गाड़ी, हम लोग गरीब हैं, हम लोग फुल टंकी तो नहीं कर सकते कि 3-4 हज़ार का डालो पूरा दिन, फिर कमाएंगे क्या, ऐसा है ना जी, हमारा तो पूरा घर उस पर ही चल रहा है जी। चेतना बने रही हमारे साथ। वैभव अग्रवाल, आप जवाब देना चाहेंगे, इनकी कमाई जो है आधी हो गई है, कुछ पैसे वो लेकर नहीं जा पा रही है घर में। देखिए कविता जी, जहाँ तक कमाई आधी होने की बात है, उससे तो मैं वाकफियत नहीं कहूँगा, बिकॉज नंबर्स बिल्कुल अलग हैं, तो शायद इन्होंने एक महंगाई के दौर में ज्वाइन किया है और उसका अभी दामों की पेट्रोल और डीजल की दोनों की कीमतें कम होंगी, लेकिन इसमें जहाँ तक टैक्सी की बात है, वहाँ पर ये सीएनजी में भी शिफ्ट कर सकते हैं, दिल्ली में बहुत डिफरेंट है स्टोरी, तो लेकिन हम किसी को किसी का बिजनेस करना नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल प्राइसेस को चेक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। नाउ लेट अस सी, चेक इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं वो एक कंटिन्यूस राइज पे हैं। सरकार ने, अगर आप ये बोलें कि पेट्रोल और डीजल पे केंद्र ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं, केंद्र ने जितने टैक्सेस बढ़ाए हैं वो इसलिए भी बढ़ाए हैं क्योंकि केंद्र के पास खजाने में पैसे नहीं थे जब कांग्रेस सत्ता छोड़ के गई थी, और खजाने में पैसे लाने हैं ये बात नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल से ही पैसे आ रहे हैं, पैसे और भी बहुत जगहों से आ रहे हैं, जैसे जीएसटी का इम्पैक्ट हुआ है, डीमोनेटाइजेशन का टैक्स बेनिफिट मिला है, 3 लाख करोड़ से 6 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ की टैक्स कलेक्शन हो गई है, तो पैसे चारों तरफ से आ रहे हैं, तो डीजल और इसकी पेट्रोल की प्राइसेस कम होंगी वो तो डेफिनेट है बात, लेकिन आज की तारीख में यदि हम ये देखें कि स्टेट्स कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस चीज़ को, स्टेट्स को भी कंट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी है इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि हमें जैसे अब जैसे महाराष्ट्र का एग्जांपल ले लें, तो महाराष्ट्र आप फिर बोलेंगे कि भाजपा शासित प्रदेश है, लेकिन भाजपा शासित प्रदेश है इसका मतलब ये नहीं है कि भाजपा पॉलिटिकल पार्टी सरकार को जो इकोनॉमिक्स ऑफ पॉलिटिक्स है उसके अंदर दखलअंदाजी करे, तो हम लोग पॉलिसी में सजेस्ट कर सकते हैं, हमने महाराष्ट्र को बोला है, महाराष्ट्र ने थोड़ा सा लेवी कम किया था 2 महीने पहले, गुजरात ने लेवी कम किया था, राजस्थान ने लेवी कम किया था, तो लेकिन हर स्टेट के गवर्नमेंट की अपनी अपनी मजबूरियां हैं, वो क्यों है वो हमें उनके स्टेट के प्रतिनिधित्व से ही बात करनी पड़ेगी। दूसरी बात, हमें केंद्र का अगर ये देखें कि टैक्स कलेक्शन क्यों जरूरी है, केंद्र का टैक्स कलेक्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यदि हमें इंटरनेशनल बाजार में अपनी पोजीशन दृढ़ करनी है, तो हमें अभी जैसे रुपी डिवैल्यूएट हो रहा है क्योंकि चारों तरफ यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, रुपी डिवैल्यूएट नहीं हो रहा है, यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, उसमें फ़र्क है, उसका कॉन्ट्रा इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा इकोनॉमी पे। तो अब आप देखें कि हमारे पास 2012 में फाइनेंशियल ईयर 2012 में 6% का फिस्कल डेफिसिट था, उसको हम घटाते फाइनेंशियल ईयर 19 पे 3.2 लेके आए। वो फिस्कल डेफिसिट को घटाना इसलिए जरूरत है ताकि जो इकोनॉमी है वो पॉजिटिव में चले, जब इकोनॉमी पॉजिटिव में चलेगी तो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट इंपैक्ट है वो कम पड़ेगा। वो ऊपर नहीं जा रहा। नहीं नहीं वैभव जी, आपने जो भी कुछ कहा वो सब हम मानते हैं कि देश पर कर्जा था, कर्जा घटाने के लिए आपने टैक्स बढ़ाया, टैक्स लिया, उससे कर्जा कुछ कम हुआ है, अब जो है स्थिति बेहतर हो गई है, ये सब कुछ हम मानते हैं। लॉस में चल रहा था देश का बिजनेस जो है, धंधा लॉस में चल रहा था। आप जो कह रहे, आप जो कह रहे, उसको पॉजिटिव में लाना जरूरी था। नहीं, आप जो कह रहे बहुत सही बात है, लेकिन और ये सवाल मैं चेतना जी से पूछना चाहूंगी, चेतना जी क्या ये सही है कि अपने बही खाता को ठीक करने के लिए आपके बही खाता को यहां पर लॉस में डालें? देखिए कविता जी, अगर चेतना, हम अपने एक सेकंड, एक सेकंड वैभव जी, वैभव जी, चेतना जी को जवाब देने दीजिए। आ रही है, आ रही है, ऑडियो आ रही है। चेतना जी जी बताइए कि अपने अकाउंट बुक्स, अपने बही खाता को ठीक करने के लिए क्या सरकार आपके घरेलू बजट पर यहां बुरा असर पड़ रहा है उसको नजरअंदाज कर सकती है? हम्म,
नहीं, सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि हम जैसे गरीब हैं, उनमें उन लोगों के मुंह से निवाला छीन के आप अपना कर्जा कम कर रहे हैं, वो सही नहीं है ना। हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप है, हम लोग उनका कैसा मतलब परिवार कैसा संभाल सकते हैं। सरकार को सोचना चाहिए, सरकार गरीब नहीं है अपनी, अपना भारत जो है गरीब नहीं है, और गरीबों के ही मुंह से निवाला निकल के आप लोग ले रहे हैं। हम लोगों को यहाँ पे जिंदा रहना, वो जो क्या बोलते हैं, वो शेतकरी जो फांसी लेके मर रहे हैं, वो उसकी वजह से ही मर रहे हैं ना, कि आप लोग गरीबों के मुंह से निवाला निकाल के अपना खुद का ये कर रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको 10 बार सोचना पड़ता है कि अभी स्कूल का फीस भरने का है, क्लास का फीस भरने का है, कहाँ से लेके हम लोग कर्जा लेके उनका ये कर रहे हैं, क्योंकि इतना भाव बढ़ गया है। सुबह जेब में 2000 लेके ही निकलना है हमको ड्यूटी पे, पेट्रोल कभी ख़त्म हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, ये CNG। अभी मैंने बोला सबसे बड़ी बात वो अपना ट्रैफिक का है जी, उसके लिए जी। आप जरूर कुछ कीजिए, फिर ट्रैफिक कंपलसरी गाड़ी चलेगी तो टेंशन जी, नहीं है। आप जो बात कह रही सही बात है जी, ट्रैफिक इतना खा जाता है जी। चेतना जी, यानी चेतना जी वही बता रही है, पुरानी कहावत है आमदनी अठन्नी कर खर्चा रुपया, और वही यहाँ पर अब होते नजर आ रहा है देश भर में। चलेंगे ऋचा के पास जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है मुंबई से, मुंबई के दादर इलाके में है। ऋचा, आपके साथ कौन है, उनका क्या कहना है? कविता, इस वक्त हम मौजूद हैं दादर के टीटी इलाके में, जहां पर इसी इलाके से सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना बसें, प्राइवेट कारें जो हैं ऑपरेट करती हैं, महाराष्ट्र के कई इलाकों में जाती हैं। हमारे साथ कई सारे ऐसे ट्रैवल ऑपरेटर्स मौजूद हैं जिनके बिजनेसेस पर खासा असर हुआ है फ्यूल प्राइजेस को लेकर। आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपसे शुरुआत करते हुए बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों पर इसका असर आया है। मैडम, अभी इसका डीजल के भाव तो इतने बड़े हैं कि जो हम लोग पहले की जो 500-600 रुपया सीट जाती थी, अभी वो भी निकल नहीं पा रहा है। तो जैसे इधर पुणे से, बॉम्बे से पुणे जाते हैं और पुणे से बॉम्बे आते हैं, तो अब वो हमारा बचत भी नहीं, उसके अंदर पासिंग है, गाड़ी का मेंटेनेंस है, इंस्टॉलमेंट है, कुछ भी नहीं। ये अभी धंधा बंद करने के ही लायक में है अभी, क्योंकि उसके अंदर कुछ परवाह नहीं, डीजल के भाव इतने बढ़ रहे हैं, कुछ ही मार्जिन ही नहीं है, तो धंधा क्यों करे। आप बताइए सर कि कई सारे लोगों ने ये भी कहा कि वो अपनी गाड़ियाँ जो हैं डीजल पेट्रोल से CNG कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? अभी हम तो अभी बस के बारे में मैं अभी बात करूंगा। हमारी दादर पुणे सर्विस से चलती है, जो दादर पुणे सर्विस चलती थी पहला, उसमें हम लोग का जाना आना रिपोर्ट में हो जाता था 20,000 तक रिपोर्ट। लेकिन अभी कम से कम क्या हो रहा है कि जो रेट बढ़ने से, डीजल का रेट गया साल में 62 रुपीज़ तक था, अभी 74 रुपीज़ तक हो गया। तो उसमें पहला हमारा जो बचत आ रही है तो 6.5 से 7,000 तक आ रही थी बस का बचत, जो बचत 7,000 तक आ रहा था, आज के तारीख में 72 रुपीज़ होने के वजह से 12 रुपया लीटर हमको एक साल में बढ़ने से हमारा जो बचत आया है 4-4.5 हज़ार के आसपास आ गया है। हाँ, प्रॉफिट बिल्कुल नहीं है। अभी 4,000 बचत डेली पकड़े तो 1,20,000 होता है। 1,20,000 में हमारा बस का इंस्टॉलमेंट है 80,000 रुपीज़, बस का इंस्टॉलमेंट है 80,000 रुपीज़, 30,000 है मंथली हमको टैक्स है, 1,10,000 रुपये हो गया, ड्राइवर और क्लीनर हो गया 20,000, फिर मेंटेनेंस आया हमको कम से कम 25,000 ये वालों का, तो जेब से हर महीना हमको कम से कम 30,000 से 35,000 अभी डालने का नौबत आया। तो सर, इसका इलाज क्या है, क्या आपकी मांगे हैं, आपने कभी किसी से जाके इस बारे में गुहार लगाई है, या ये अभी हाल ही में हुआ है आपको? मैडम, ये अभी सामान्य मानसिक, अभी जो भी फोर व्हीलर वापर रहे, जो डीजल कार वापर हो या CNG कार वापर, जैसे अभी इसके अंदर ये सामान्य आदमी को इतनी सरकार ने सुननी चाहिए कि डीजल के भाव आज इतने आसमान को छू रहे, सामान्य आदमी का ज़रा सोचना चाहिए, जो द बिजनेस कर रहे हैं, जो आज गाड़ी में कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है, गाड़ी बेच रहे या गाड़ी बैंक खींच के लेके जा रही है, तो इसके लिए कुछ डीजल का भाव करना, जिसके अंदर जो गाड़ी चलाने वाला हो या बिजनेस करने वाला हो, वो कुछ उसको थोड़ा पैसा आ जाए। जैसे कि आपने सुना कविता कि ये सारी समस्याएं हैं यहाँ के जो ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं उनकी, जो सालों से यहाँ से ऑपरेट कर रहे जी, हैं। रिचा, रिचा, एक, एक, एक अलग सवाल आप उनसे पूछ लीजिए, एक क्विक सवाल आप उनसे पूछ लीजिए। अब जो है खासकर मुंबई में सीजन शुरू हो रहा है, क्योंकि अब गणपति का पर्व आ रहा है, उसके बाद जो है आपका नवरात्र आएगा,
लोग अपने घरों के तरफ सफ़र करेंगे, बसेस में, टैक्सीज में काफ़ी भीड़ लगी रहती है, उनसे पूछिए कि इस बार सीज़न में वो क्या करेंगे। सर, इस बार अभी सारे त्यौहार जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, गणपति, नवरात्रि, उसके बाद दिवाली भी आएगी, तो आप लोगों के लिए इस सीज़न में आप क्या करेंगे? कुछ आपको लग रहा है, उम्मीद है कुछ मुनाफे होने की, या ऐसे ही चलेंगे? मैडम, अभी सरकार के ऊपर है, अगर सरकार ने डीजल के भाव कम कर दिए तो हम लोग को भी प्रॉफिट है। अगर डीजल के भाव पर जो हमारे गाड़ी में पैसेंजर बैठता है वो तो क्या ज़्यादा पैसा बढ़ा के तो नहीं देता है, जो रेट है वही रेट। मैडम, हम लोग रेट बढ़ा के भी तो पैसेंजर देना चाहिए ना। अभी वो नीता वॉल्वो में चल रहा है, वो देखिए 570 उधर चालू है, ये अपना गवर्नमेंट का, अभी उसके अंदर हम लोग उसके 200 रुपया कम करा के हम लोग पैसेंजर तभी भी नहीं बैठते। तो सरकार ने डीजल कुछ कम करना चाहिए, सीएनजी पेट्रोल, जो पेट्रोल की गाड़ी है वो सीएनजी, आज सीएनजी का इधर बॉम्बे में 47-48 है, पुणे में जाओ तो 42 है, इसका कुछ सरकार ने विचार करना चाहिए ना। आप बताइए सर कि त्यौहार आ रहे हैं, उस दौरान क्या आपको लगता है कुछ इस पर होगा? कुछ इस पे नहीं, कुछ भी मतलब फायदा ही नहीं, कुछ पब्लिक ही नहीं रहता, पब्लिक 300 के ऊपर 1 रुपया देता नहीं, कौन सा भी त्यौहार आंदो, कुछ छुट्टी आंदो, कुछ भी आंदो, कुछ भी फायदा नहीं। वो अपना गाड़ी तो मतलब अपन कैसा रोज धंधा करने करके अपन कर रहे हैं, बाकी कुछ मतलब ही नहीं गाड़ी लेके। तो जैसे कि आपने सुना कविता, त्योहार आने के बावजूद इनमें वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है इन जी, और उनके हिसाब से फिलहाल कुछ उनको चेंजेस या किसी तरह की बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही है। जी ऋचा, बहुत बहुत शुक्रिया सारी सारी डिटेल्स के लिए। वैभव अग्रवाल के पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अजय बंसल आपसे बात करना चाहूँगी। वैभव जी, 2012 से 2014 के बीच के वक्त की बात कर रहे थे, अब ये वो वक्त भी है जब क्रूड के दाम घट रहे थे, तब यहाँ भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर क्या हो रहा था? आपका सवाल मुझसे है? हाँ जी बंसल जी। हाँ देखिए, 12 से 14 से बाद जो है वो हमारे क्रूड के दाम डाउन हुए, और सरकार की एक अच्छी नीति के तहत उन्होंने काफ़ी हद तक उसको कस्टमर को पास ऑन किया, और कुछ स्टेट के लिए डेवलपमेंट फंड पे, जैसे कि अग्रवाल साहब ने बताया कि वो रखा फंड को करने के लिए। लेकिन मेरे विचार से ये भी रहना चाहिए था कि जब कभी दाम, क्योंकि ग्रोइंग इकॉनमी है हमारी, और जब दाम बढ़ रहे थे 2014-16 के बाद, कभी बढ़े फिर घटे, अब 2018 में ये शूट अप हो रहे हैं, तो एक बफर या एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए था कि वो किसी तरह इसको फ्रीज़ करे। और सरकार की नीति भी थी, पहले उन्होंने इस नीति के तहत उसको घटाया भी है, 2 रुपया और 1 रुपया पहले घटाया भी है। तो मेरे ख्याल से ये वक्त आया है कि हमें इकोनॉमिकली इस सारा जो भी हमें डेवलपमेंट का फंड है वो इस सेक्टर से ना लेके कहीं और भी देखना चाहिए। जैसे कि राज्य सरकारों ने बहुत सा अपना एक ज़रिया जो है वो बनाया हुआ है इसको फंड जनरेट करने का, और बहुत अच्छे से वो काफ़ी एक अपने वैट से अपने बजटरी जो है रिक्वायरमेंट पूरी करती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछले एक साल का जो बजट बनता है उस बजट के अंदर मान लीजिए उनको कुछ परसेंटेज चाहिए, और उसी दौरान जब वो परसेंटेज के ऊपर दाम बढ़ जाता है तो उसका परसेंटेज पे उनका जो टारगेट अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है, तो वो कम से कम वो लोगों को पास ऑन कर दें। जैसे कि केंद्र सरकार भी जो है वो कहती रहती है कि आप इसको थोड़ा रिड्यूस कर लीजिए, तो मुझे लगता है कि ये जो जितना अमाउंट उनको चाहिए था, ये दाम बढ़ने से राज्य सरकार को ज़्यादा मिलता है, क्योंकि दाम बढ़ते रहते हैं परसेंटेज के हिसाब से ज़्यादा मिलता है, तो थोड़ा कम करना चाहिए और इससे थोड़ा राहत देना चाहिए, क्योंकि 85% क्रूड हमारा इम्पोर्ट होता है और हमारे पास कोई चारा नहीं जी, है। जी अजय बंसल, मेरे पास माफ़ी चाहती हूँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। जी जी अजय बंसल जी। ब्रिजेश भारद्वाज जुड़े फोन लाइन पर गाजियाबाद से। ब्रिजेश, जल्द से जल्द बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मेरा प्रश्न डायरेक्ट बीजेपी स्पोक्स पर्सन से है, गाजियाबाद दिल्ली के पास में। हेलो, हाँ जी बोलिए। गाजियाबाद दिल्ली के बिल्कुल पास में है, तो क्या दिल्ली गवर्नमेंट पब्लिक के लिए ज्यादा सोचती है कम्पेरेटिव टू गाजियाबाद? बिकॉज गाजियाबाद और दिल्ली में सीएनजी में, पेट्रोल में, डीजल में 6-7 रुपए का डिफरेंस है, तो वो क्यों डिफरेंस है? ये दोनों पास पास में, पहली बात। दूसरा, ये 2014 के लोकसभा
जब इलेक्शन हो रही थी तो इन्होंने तो ये नहीं बोला था कि हम जबरदस्ती आपकी जेब से पैसे छीनेंगे और टैक्स के रूप में डेवलपमेंट करेंगे जैसे अंग्रेज छीनते थे। जी ब्रिजेश जी, वैभव अग्रवाल जी, वैभव अग्रवाल जी, मैं पूरा नहीं नहीं मैं ब्रिजेश जी से और जी बोलिए 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 जी, मैं ब्रिजेश जी से और चेतना जी से दोनों से सबसे पहले तो माफ़ी मांगना चाहूँगा कि उनको, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि हम सरकार में रहते हुए उनकी जेब से पैसे छीन रहे हैं। हम बिल्कुल पैसे नहीं छीन रहे। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। अगर आप थोड़े से भी आंकड़े उठा के देखेंगे तो आपको अभी अंदाज़ा नहीं है कि हम कितनी कोशिश कर रहे हैं पेट्रोल दामों को कंट्रोल में लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने यदि जैसे अजय जी ने बोला कि बफर रखना चाहिए, हमने करीब $9 प्रति बैरल का बफर रखने की कोशिश करी थी, लेकिन वो $9 की जगह $18 प्रति बैरल का ओपेक की वजह से, ओपेक ने जो अपने प्रोडक्शन शेड्यूल में चेंज किया उसमें फ्लक्चुएशन आ गया, तो हमें वो एडजस्ट करना पड़ा। फाइनेंशियल ईयर 2019-18-19 में 20% का जो 20-25% का इंक्रीज हुआ है फ्यूल कंजम्पशन, जबकि हमने एस्टिमेट किया था 15-18 या 20% के करीब। ये मैं केयर की स्टडी से डेटा उठा रहा हूं। तो ये क्या है, ये जो डेटा है ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो गया है और इस वजह से थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा है। लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2014 में जब हमने सरकार ली थी तब ₹81 था, लेकिन 2015 में जब $65 बैरल आया तो हमने प्राइस को नीचे किया। जब $2016 में $50 बैरल आया तो हमने प्राइस को नीचे किया, और हमने 2016 में प्राइस को ₹55 कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी भी समय प्राइस बेनिफिट जो है वो जनता को पास नहीं किया है। अभी पेट्रोल पिछले महीने ₹3 सस्ता हुआ था। तो प्राइस बेनिफिट जितना पास हो सकता है वो प्राइस बेनिफिट पास कर रहे हैं, लेकिन उसका बैलेंस है कि पेट्रोल को स्टोर करना क्योंकि हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, रिफाइनरी क्रिएट करनी है, विद इन कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, हमें तो कुछ भी नहीं मिला था पिछली सरकार से। तो उसमें हमारा इतना दम लग गया है कि हम चाहते हुए भी हम नहीं कर पाए, लेकिन आने वाले दिनों में मैं श्योर हूं कि सरकार इस पे जल्द ही एक्शन लेगी। आपके पास इसका सॉल्यूशन मौजूद है और ये बात मिरर नाउ पर हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं, शो पर शो, और आप खुद इस कई ऐसे चर्चे पर आप भाग ले चुके हैं। एक टैक्स है एक्साइज जो सेंटर लेती है और वैट जो राज्य सरकारें लेती है। अब दिल्ली की बात करें तो ₹25 प्रति लीटर टैक्सेस में जाती है। इसी तरह पेट्रोल की बात वो, और ये डीजल की बात है, पेट्रोल में ₹35 प्रति लीटर दिल्ली में टैक्सेस के लिए जाती है, और ये हर देश में अलग अलग है, देश में हर शहर में अलग अलग है, क्योंकि राज्य सरकारें जितना वैट लेती है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है। मेरा सवाल आपसे सीधा है, दोपहर में आपने इंटरव्यू लिया था किसी नेता से जो कि आंध्र प्रदेश या तेलंगाना के नेता थे, उन्होंने बोला था कि हम टैक्सेस नहीं कम कर सकते क्योंकि हम पेट्रोल डीजल और अल्कोहल से ही कमाई करते हैं, क्योंकि वो अपना खर्चा उठा के सब्सिडीज में डाल देते हैं, वो अपना खर्चा अपनी जो प्रदेश की इकोनॉमी है उसको नेगेटिव में चला रहे हैं। हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं कि देश को पॉजिटिव में चला के बाकी सारी चीजें सस्ती करें। वैभव जी, तभी हमारा जो प्राइस इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 2012 से लेके 2014 तक इस देश के लोगों ने कुछ नहीं कहा जब पेट्रोल डीजल के दाम घट रहे थे और हम यहाँ पर पेट्रोल डीजल के लिए ज्यादा दे रहे थे, टैक्सेस भी भर रहे थे, किसी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इसलिए ताकि देश का भविष्य ठीक हो जाए। आज ऐसा हाल आ गया है कि आज मेरे घरेलू बजट पर असर पड़ रहा है, आज मैं इतना नहीं कमा पा रही हूँ कि पैसे ले जाऊं घर, अपने बच्चों को स्कूल तक भेजने के लिए कर्जा लेना पड़ रहा है मुझे। अंदाजा था आप टैक्सेस क्यों नहीं घटा सकते। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे अंदाजा था कि हम सरकार में जुलाई के आसपास कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सडनली इंटरनेशनल प्राइसेस दोबारा बढ़ गई, उस चक्कर में हम उनको कम नहीं कर पाए। लेकिन सरकार इस समय आपकी आवाज़ सुन रही है और जनता की आवाज़ सुन रही है, और इस सरकार में बिल्कुल भी बहरे लोग नहीं बैठे हैं पिछली सरकारों की तरह। और आप देखेंगे, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा, कुछ ही दिनों में हम इस पे वर्क करके कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की पूर्ण कोशिश करेंगे। उम्मीद यही करते हैं कि सरकार भी हमारी आवाज सुन रही है, हमारी ये गुहार सुन रही है, और कहीं ना कहीं से टैक्सेस घटाएगी या फिर पेट्रोल और डीजल को GST के अंडर लेकर आएगी, ताकि हम सबको थोड़ा बहुत पैसा हम भी यहाँ पर सेव कर पाए, घर ले जाए, रोज़ाना की ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल करें। और हाँ, जो फेस्टिवल सीज़न अब शुरू हो रहा है वहाँ पर कुछ खुशियाँ
हम भी बटोर पाए। बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे खबरों को लेकर।